70 वर्षीय वरिष्ठ नागरिक एवं भाजपा सदस्य जनपद बरेली उत्तर प्रदेश, मेरे व मेरे पुत्रों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541, 542, 542 मिंजबिला, 542 बा, 559, 507 नंबरों से संक्रमणीय भूमि है। उस भूमि पर वहाँ का भूमाफिया अनिल राणा अपने संगठित गिरोह द्वारा पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत से बगैर किसी हक, बगैर किसी स्वामित्व के अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार करा रहा है। भूमाफिया अनिल राणा ने अपने संगठित गिरोह द्वारा जमीन पर अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण के उद्देश्य से हम पर कई बार जानलेवा हमला किए, जिस कारण हमें अपना फरीदपुर निजी मकान छोड़कर बरेली किराए के मकान में रहना पड़ा। इसी अनिल राणा ने अपने संगठित गिरोह द्वारा हम पर व हमारे पुत्रों पर कई झूठे एवं फर्जी मुकदमे लिखाकर हम पर गंगेश्वर तक लगवा दी गई। की शिकायत थाना, तहसील, जनपद, मंडल, शासन स्तर, माननीय अध्यक्ष राजेश प्रसाद, महामहिम गवर्नर साहब, माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार तक शिकायत प्रार्थना पर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को जनता दरबार में दिनांक 26/12/2017 प्रथम शिकायत प्रार्थना पर जो हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी दिया। इसके बाद और कई शिकायती प्रार्थना पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के जनता दरबार में जाकर दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सीएम हेल्पलाइन पोर्टल नंबर 05226 है, उस पर हमने सर्वप्रथम दिनांक 8/12/2018 को शिकायत दर्ज कराई। हमारी जमीन खाली थी। इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पर लगभग हमने 19, जो कि हमारे पास उसकी संदर्भ संख्याएं हैं, इसके साथ ही माननीय मुख्यमंत्री जी का जो मिलने का नंबर है 05/22/36838, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हमने कई बार फोन द्वारा प्रयास किया, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का आज तक हमें समय नहीं दिया गया। हर तरह से परेशान, उत्पीड़ित होकर, मजबूर होकर हमें दिनांक 22 सितंबर 2020 से सेठ दमोदर दास पार्क में मैं परिवार अनिश्चितकालीन धरना देना पड़ा। आज अनिश्चितकालीन धरना के लिए हमें 196 दिन हो गए हैं, लेकिन कहीं से किसी प्रकार का न्याय नहीं मिला। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने जो हम ज्ञापन में दी हुई 5 मांगे हैं, उन समय ये चाहते हैं कि जो कि हमारी जायज मांगे हैं, भूमाफिया द्वारा जो अवैध कब्जा की गई जमीन है वो उससे हमारे व हमारे पुत्रों की तुरंत दिलाई जाए और झूठे एवं फर्जी मुकदमे जो भूमाफिया नाना के सिर द्वारा लगाए गए वापिस लिए जाए, एवं उसने जो अवैध रूप से बेची हमारी जमीन उस पर जो मुकदमा लिखे हैं और उन्होंने जानलेवा हमला किए उनमें सख्त कार्रवाई अस्वीकार करा के उसे जेल भेजा जाए। इस प्रकार 5वीं मांग हमारी है माननीय मुख्यमंत्री जी से। माननीय मुख्यमंत्री जी से अपने स्तर से अपने इस पूरे प्रकरण की CBI जांच कराकर दोषी व्यक्तियों को सजा दिलाए और हमें अतिशीघ्र न्याय दिलाने की कृपा करें, जिससे भविष्य में भी किसी के साथ अन्याय ना हो। और जब तक ये पूरे प्रकरण में हमें न्याय नहीं मिलता है तब तक हमारा ये अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। और प्रतिदिन जो अधिकारी एवं सफेद पोस्ट या भ्रष्ट तंत्र जो लगा हुआ है उनको सद्बुद्धि आए, जिससे हमको अस्सी की जल्दी न्याय मिले, भविष्य में किसी के साथ अन्याय ना हो। उस उद्देश्य से हम प्रतिदिन यहाँ 1 घंटे गायत्री महामंत्र का जाप करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।